हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ। द नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट इज 1 0, सेकेंड 1 3 2 4 5। यहाँ पे देखिए, आपको बताना है जो आपका नंबर ना ही तो प्राइम हो ना ही आपका कंपोजिट हो, वो नंबर आपको यहाँ पे देखना है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे फोर। फर्स्टली यहाँ पे देखिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपकी होती है ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। नोट करके यहाँ पे आप लिखेंगे, टू इज दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहाँ पे आपका हो जाएगा टू, आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आप लिखेंगे, कंपोजिट नंबर आपके वे नंबर होते हैं ए पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ इट हैज दी फैक्टर फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन गिवन नंबर। वो गिवन नंबर से छोटे होने चाहिए हमारे यहाँ पे। तो देखिए, ऑप्शन वन की अगर यदि हम बात करें ज़ीरो, तो यहाँ पे देखिए, ज़ीरो ना ही तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को आपका ये फॉलो कर रहा है एंड ना ही कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पे देखिए, आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें ज़ीरो, इट इज क्लियर, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा ये, दैट ज़ीरो इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ना ही तो ये आपका प्राइम होगा ना ही आपका कंपोजिट होगा। यदि ऑप्शन सेकंड की बात करें हम वन, यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है, देखिए ना ही ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना ही ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है ज़ीरो, ये आपका आ जाएगा वन इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। यदि हम ऑप्शन थ्री की बात करें यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन के अंदर देखिए टू है आपका और डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू इज़ दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। ऑप्शन फोर की बात करें हम, यहाँ पे फाइव है आपका, आपको पता है फाइव आपका प्राइम नंबर है, ये आपकी प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है एंड यदि इसके हम फैक्टर कर दें टू इंटू थ्री, तो आपका सिक्स हो जाएगा, फाइव के फैक्टर नहीं हो सकते और ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। सो फाइव इज ओनली प्राइम नंबर, हैंस यहाँ पे आपका आ जाएगा हैंस 0.1 इज, ये आपका आ जाएगा नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, यह आपका हो जाएगा।
इसके अकॉर्डिंग आपका ये वन एंड सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।